आज हम बनाने वाले हैं बचे हुए चावल से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। अक्सर फ्रेंड्स हमारे घरों में चावल बनाने के बाद बच जाते हैं तो वो यूज़ में नहीं आते हैं, तो आज वो ही बचे हुए चावल से मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता बनाकर बताऊंगी। फ्रेंड्स ये जो चावल मैंने लिए हैं ये आधा कप से ऊपर हैं। रात में मेरे घर में चावल बने थे तो ये मैं मॉर्निंग में आपको रेसिपी बता रही हूँ, क्योंकि थोड़े ही चावल बच गए थे, ज़्यादा नहीं बचे हैं, थोड़े ही चावल बचे थे, तो वही चावल से हम बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनाएंगे। तो एक बड़े बाउल में देखिए मैंने चावल निकाल लिए हैं और फ्रेंड्स ये आधा कप से थोड़े से ज़्यादा ही थे। तो अब इसमें हमें क्या करना है, बड़े बाउल में निकालने के बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ा ही हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे। सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ही हमें डालनी है और थोड़ा हमने अमचूर पाउडर डाला है। अब यहाँ देखिए यहाँ मैंने थोड़े से बारीक कटे टमाटर लिए हैं वो भी डाल दिए हैं, तीन हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है उसे भी डाला है, बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, थोड़ा सा हमने ग्रेट कर आधा गाजर लिया था, मीडियम साइज़ के गाजर को हमने ग्रेट कर लिया है, और यहाँ शिमला मिर्च भी मैं ले रही हूँ और थोड़े से यहाँ मैं कॉर्न ले रही हूँ, फ्रेश कॉर्न है ये, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास ये हो तो डालिएगा, नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वेजिटेबल्स जो आपके पास हो आप डाल सकते हैं, जो ना हो उसे स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो वेजिटेबल्स मैं डाल रही हूँ आपको भी वो ही डालना हो। तो देखिए अब इसमें हम डाल देते हैं बेसन, बेसन से क्या होगा बाइंडिंग अच्छी आएगी, तो इसमें हम डाल देते हैं तीन चम्मच बेसन के, तो तीन छोटा चम्मच बेसन हमने डाला है। आप इसमें बेसन के बजाय गेहूँ का आटा भी डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हाथों से मसलते हुए हमें मिलाना है, तो अच्छी तरह से मसलिएगा, इससे क्या होगा सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिल जाएंगी और एक तरह से ये एक डो फॉर्म में आ जाएंगी। तो सारी चीज़ों को मिलाना है। अच्छा इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, तो बिना पानी के ही हम सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमने जो वेजिटेबल्स डाले थे ना उसमें भी पानी होता ही है, तो बस बिना पानी डाले हुए अच्छे से हम इसको मसलते हुए इसका एक डोसा लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग वीडियो फुल वॉच कर लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री होता है और इसी तरह से आपको मेरे चैनल पर नई नई रेसिपीज़ देखने को मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स अच्छी तरह से इसे मसल लिया है हमने और इसमें थोड़ा सा हमने ऑयल डाला है जिससे कि ये ज़्यादा चिपकेगा नहीं। तो फ्रेंड्स अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है, आखिरी में हमें डाल देना है इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बस अच्छी तरह से हम इसे मसल लेंगे हाथों से और अच्छे से मसलते हुए इसका अब हम एक डोसा लगा लेंगे, और फ्रेंड्स हल्का सा हाथों पे ऑयल भी लगाएंगे, क्या होगा इससे हमारी जो टिकियाँ हैं वो अच्छे से बनकर तैयार होंगी, तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते जाएंगे और बिल्कुल टिक्की वाला ही आकार देते जाएंगे। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमें इसे बनाना है, देखिए इस तरह से देखिए एक टिक्की हमारी बनकर तैयार हो गई है, तो इसे अब हम रख देते हैं। बस इसी तरह से बनानी है, आप चाहें तो थोड़ा बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, मैं थोड़ा मीडियम साइज़ में ही इस टिक्की को बना रही हूँ। अब दूसरी टिक्की भी मैं आपको दिखा देती हूँ बना के, बहुत ही आसान प्रोसेस है और इस प्रोसेस से आप ढेर सारा नाश्ता भी बना सकते हैं। तो चलिए अब सारी टिक्कियाँ बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा नाश्ते की रेसिपीज़ अपलोड हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको मेरे चैनल पर तरह तरह की नई नई रेसिपीज़ देखने को मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमारी सारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं, देखने में बहुत ही अच्छी लग रही हैं, कोई भी यकीन नहीं करेगा कि हमने बचे हुए चावल से इसे बनाया है। तो चलिए अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स फ्राई करने के लिए मैंने इस तरह का पैन लिया है, क्योंकि इससे क्या होगा कि नाश्ता जल्दी बन जाता है, एक बार में चार नाश्ते हमारे बनेंगे। तो अगर आपके पास इस तरह का पैन हो तो ले लीजिएगा, नहीं हो तो सिंपल सा नॉर्मल सा जो पैन होता है ना आप उसमें भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा ही ऑयल डाला है और थोड़े से मैंने इसमें तिल डाले हैं, ब्राउन तिल हैं, जिससे कि क्या होगा नाश्ता जब फ्राई होगा ना तो अच्छा दिखेगा। और इसके ऊपर हमारी टिक्कियाँ हम रख देंगे,
तो इस तरह से फ्रेंड्स जब आप बनाते हैं तो बहुत ही कम ऑयल में ये नाश्ता बनकर तैयार होगा। आप इसे ज़्यादा ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर कम ऑयल का नाश्ता हमारे लिए हेल्दी रहता है, अगर आप इस तरह से कम ऑयल में बनाते हैं तो नाश्ता बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी करारा ही बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स जिस तरह से मैं बना रही हूँ बस आपको ऐसे ही इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाना है। अब गैस की फ्लेम हमने रख दी है मीडियम, तो स्लो फ्लेम नहीं रखेंगे और ना ही हाई फ्लेम रखेंगे, हम इसे बनाएंगे मीडियम फ्लेम पर और बीच बीच में स्लो करते जाएंगे गैस को। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो फुल वॉच कर लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री होता है और इसी तरह से आपको मेरे चैनल पर नई नई रेसिपीज़ देखने को मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स देखिए 2 से 3 मिनट में ही कलर अच्छा सा आ गया है। अब जो जिस पीसेस पे देखिए कलर आ गया है वो हम फ्लिप करते जा रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए चारों पीस अच्छे से हमारे फ्राई हो गए हैं, कलर बहुत ही अच्छा आया है और दोबारा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है हमें, कम ऑयल में ही ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। और देखिए दोनों ही तरफ से बहुत अच्छे से ये सिक गया है, बहुत ही अच्छा सा दोनों ही साइड से कलर आ गया है। तो फ्रेंड्स जब अच्छा सा कलर आ जाता है ना तो हम एक एक करके पीसेस निकालते जाएंगे, बहुत ही क्रिस्पी करारा और बहुत ही टेस्टी फ्रेंड्स ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। ऊपर से क्रिस्पी रहता है, अंदर से ये सॉफ्ट रहता है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और डार्क कलर आने तक भी फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए मैंने सिर्फ गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही फ्राई करा है, बहुत प्यारा सा कलर आया है। अब दूसरा वेज डालना है हमें, तो थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देते हैं, फिर से हम डालेंगे इसमें तिल। और देखिए जैसे ही तिल चटकने लगती है तो यहाँ हमारे 2 पीस रह गए थे वो हम डालकर फ्राई कर लेंगे। तो इसे भी हमें सेम उसी तरह से ही फ्राई करना है। थोड़ा सा हम स्पैचुला से इसे दबा रहे हैं, इससे क्या होगा कि थोड़ा सा ये फैल जाएगा ना तो बहुत ही जिस तरह से हमारे पैन का शेप है ना बिल्कुल सर्कल में, उसी तरह से सर्कल शेप में ही ये नाश्ता बनकर तैयार होगा, बिल्कुल इसके लेवल में ही आ जाएगा। तो देखिए आप थोड़ा सा छोटा पीस में हमने डाला था, इसे हमने स्पैचुला से दबा दिया तो ये थोड़ा सा बिल्कुल इसी सर्कल के ही शेप में आ गया है। तो बस इसी तरह से आपको भी बनाना है, आपकी जैसी मर्जी हो आप बना सकते हैं, आप बड़े साइज़ में बनाएं या छोटे साइज़ में, ये आपकी मर्जी है। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों ही पीस अच्छी तरह से क्रिस्पी करारे से फ्राई हो गए हैं, बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। तो बस इसे भी हमें निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए थोड़े से ही बचे हुए चावल से हमारा ढेर सारा क्रिस्पी करारा ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। अब हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और सारा ही नाश्ता हमने निकाल लिया है, बहुत ही अच्छा सा हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। देखने में जितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, खाने में आपको उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा। और फ्रेंड्स इस मज़ेदार से नाश्ते को देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इसे चावल से बनाया है, बचे हुए चावल से। तो फ्रेंड्स अगर आपके घर पर चावल बच जाते हैं तो आप इस मज़ेदार से नाश्ते को घर पर बनाइए, मेहमानों को खिलाइए, क्योंकि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये मज़ेदार सा नाश्ता बचे हुए चावल से बनाया गया है। बच्चों के लंच बॉक्स में भी दीजिए, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगा। बच्चों को आप टोमेटो केचप के साथ इसे देंगे ना तो बच्चे बहुत ही शौक से इसे खाना पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा नाश्ता है, मैं आपको इसे चेक कर दिखा देती हूँ। अंदर से आप देखिए कितना सॉफ्ट बना है कि टूट रहा है, ये इतना सॉफ्ट बना है अंदर से और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। उम्मीद है आपको आपके घर में सभी को ये टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स अगर रेसिपी पसंद आई हो, ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी ये टेस्टी मज़ेदार बचे हुए चावल के ये नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स बचे हुए चावल की एक और रेसिपी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, ये भी बहुत टेस्टी है, मज़ेदार है, आप एक बार इसे भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरे पास रात के चावल बच ही गए थे और ये वीडियो मैं आपको मॉर्निंग में बनाकर बता रही हूँ। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बड़ा सा बाउल ले लेना है और 1 कप जो हमने चावल लिए हैं वो हमें इसमें डाल देना है।
और यहाँ मैं फ्रेंड्स साथ में प्याज डाल रही हूँ। तो प्याज को मैंने रफली चॉप कर कर लिया है, थोड़े बड़े लंबे पीसीस में लिया है। आप चाहें तो बारीक भी कट कर सकते हैं, और लंबे पीसीस में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेंगे ये। तो थोड़ी सी बारीक कटी शिमला मिर्च और आधा गाजर ग्रेट करके हमने इसमें डाला है। वेजिटेबल्स आपको जो पसंद हो डालिएगा, जो ना पसंद हो उसे स्किप कर दीजिएगा। आधा चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर और आधा ही चम्मच हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और साथ में अब हमें इसमें डाल देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ी सी यहाँ मैं बारीक वाली सौंफ डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ज़रूर डालिएगा। एक चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे और एक चम्मच भर के हम इसमें डाल रहे हैं पाव भाजी मसाला, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा, और ना हो तो आप इसमें मैगी मसाला जो मैजिक का सैशे आता है ना वो डाल दीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक बॉइल आलू लिया है। आलू मैंने थोड़ा मीडियम साइज़ का लिया है, ज़्यादा बड़ा आलू नहीं लिया है। इसे हमें इसमें ग्रेट करके डाल देना है। तो जितना बारीक ग्रेट करेंगे ना तो उतना ही ये लच्छेदार निकलेगा और अच्छे से इसमें ये मैश भी हो जाएगा। सब जब हम सारी चीज़ों को मिलाएंगे तो अच्छे से ये फ्रेंड्स मैश होगा। देखिए आलू हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। तो देखिए सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं, अब ज़्यादा कुछ इसमें नहीं डालना है हमें। बारीक कटा हुआ लास्ट में हम हरा धनिया डाल देंगे, तो आप नहीं भी डालें तो भी चलेगा। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से मसलते हुए हम इसे मिक्स करेंगे ताकि चावल भी जो हैं सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। फ्रेंड्स अगर आप इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से देखना है। अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखकर रेसिपी बनाते हैं तो ये जो रेसिपी है आपकी वो गड़बड़ हो सकती है। आपको पहले वीडियो को पूरा देखना है, फिर आपको इस रेसिपी को ट्राई करना है, तो ही जो ये रेसिपी है आपकी बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 3 चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लोर, आप 3 से 4 चम्मच भी डाल सकते हैं। और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अच्छी तरह से हमें एक बार और मिला लेना है। कॉर्नफ्लोर डालने से बाइंडिंग अच्छी आएगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर का इसमें इस्तेमाल करा है। और टिक्की हमारी फैलेगी नहीं, बहुत ही अच्छी क्रिस्पी कुरकुरी करारी बनेगी। तो आपको थोड़ा ही इसमें कॉर्नफ्लोर आखिर में डालना होगा। और देखिए बेटर भी जो है ना हमारा डो वो काफ़ी टाइट सा भी बनेगा इससे, क्योंकि क्या होगा जितना भी मॉइस्चर होगा वो ड्राई हो जाएगा कॉर्नफ्लोर डालने के बाद। अब देखिए डो लगकर तैयार हो गया है, सारी चीज़ें अच्छी तरह से आपस में मिल चुकी हैं। अब हमें इसे गोल सी टिक्की बना लेनी है। आप चाहें तो फ्रेंड्स कोई शेप भी देकर बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मैं नॉर्मल सी गोल टिक्की ही बनाकर इस नाश्ते को बना रही हूँ। और ये देखिए बहुत ही आसानी से ये हमारी गोल मटोल मज़ेदार सी एक टिक्की बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और फ्रेंड्स बाकी की भी टिक्की हम इसी तरह से सेम इसी प्रोसेस से बनाते जाएंगे। फ्रेंड्स मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा नाश्ते की रेसिपीज़ अपलोड हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपको तरह तरह की रेसिपी मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। और हमेशा ही फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर के आती रहती हूँ, जिससे कि आप लोग कुछ नया सीख पाएँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक एक करके सारी टिक्कियाँ हमने बना ली हैं। और देखें इतने डो में काफ़ी सारी हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्लेट भरकर हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई है। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसे फ्राई करना है। तो देखिए फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है और ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। तो फ्रेंड्स इसे हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, शेलो फ्राई कर रहे हैं। आप इसे कम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, बहुत कम ऑयल में भी ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। और फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात यह है कि ये नाश्ता ज़्यादा ऑयली नहीं होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मीडियम हाई फ्लेम कर मैंने इसे रख दिया है, और जब तक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है तो हम इसे एक साइड से फ्राई होने देंगे। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसे फ्लिप करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए 2 मिनट हो गए हैं, तो यहाँ मैं फ्लिप कर रही हूँ। अभी थोड़ा लाइट सा कलर आया है, लाइट गोल्डन, तो अब हम दूसरे साइड से फ्राई कर लेंगे। और फिर से हम इसे दोनों ही साइड से उलट पलट करते हुए ही फ्राई करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा डार्क सा कलर आ जाएगा तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, खाने में भी काफ़ी क्रिस्पी करारा सा लगेगा। फ्रेंड्स अगर आप लोग को ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग वीडियो तो फुल वॉच कर लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री होता है। और इसी तरह से आपको हमेशा ही मेरे चैनल पर नई नई रेसिपीज़ देखने को मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर रहे हैं,
और दोनों ही साइड से उलट पलट करते हुए फ्राई कर रहे हैं, जिससे कि कलर भी अच्छा आ जाए और ये काफ़ी क्रिस्पी करारी सी बनकर तैयार हो जाएं। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा बनता है, खाने के बाद कोई भी यकीन नहीं करेगा। इसे हमने बचे हुए चावल से बनाया है। और फ्रेंड्स, आपके घर अब जब भी चावल बच जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बचे हुए चावल का हम क्या करें। आप झटपट से इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाएं, ये नाश्ता बहुत ही पसंद आएगा आपको। और देखिए, जब ये दोनों ही साइड से फ्राई हो गए हैं तो अब हम एक एक करके एक एक टिक्की हमारी निकालते जाएंगे। और देखिए कितनी अच्छी फ्राई हुई है, दोनों ही साइड से बहुत ही अच्छी क्रिस्पी करारी सी बनी है। आपको देखकर ही लग रहा होगा कि ये टिक्की बहुत ही क्रिस्पी और करारी सी बनी है। तो यहाँ देखिए, सारी टिक्कियाँ हमने निकाल ली है। अब जो बच गया है ना ऑयल, इसमें जो बाकी की टिक्की बची है वो डालकर भी फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, बाकी की चार टिक्कियाँ रह गई थी, उसे भी हम फ्राई कर रहे हैं और इसे भी शैलो ही फ्राई कर रहे हैं। और ये भी जब अच्छे से क्रिस्पी करारी हो जाती है तो हम इसे निकाल लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमें ये सेकंड बैच को भी मीडियम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, जिससे कि अच्छे से अंदर तक कुक होगा और क्रिस्पी करारा सा भी बनेगा। और हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, जिस वजह से ये टिक्की अपना शेप में रहती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, बिल्कुल गोल मटोल सी ये मज़ेदार सी बनकर तैयार होती है। अब आप यहाँ देखेंगे, मैंने इसे भी उलट पलट करते हुए फ्राई करा है और दोनों ही साइड से बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। और देखकर ही आपको लग रहा होगा कितनी क्रिस्पी करारी ये बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, जब ये अच्छे से फ्राई हो जाती है तो अब हमें कर देना है गैस की फ्लेम को ऑफ, और गैस की फ्लेम को ऑफ करते हुए हम इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इसे शैलो फ्राई करा है और ज़्यादा ऑयल ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये नाश्ता बहुत ही कम ऑयल में बन जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ढेर सारा हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है, वो भी एक कप बचे हुए चावल से, और ऑयल भी देखिए आप, ढेर सारा बच गया है। तो आपको देखकर ही लग रहा होगा कितना मज़ेदार और क्रिस्पी कुरकुरा ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। आप देखकर ही समझ पा रहे होंगे कि ये नाश्ता कितना कुरकुरा बनता है। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि इस नाश्ते की क्रिस्पीनेस काफ़ी देर तक बनी रहती है, ये जल्दी से सॉफ्ट नहीं होता है, क्रिस्पी करारा ही बना रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर पर चावल बच जाते हैं तो इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाइए, अपने घर परिवार वालों को ज़रूर खिलाइए। आप इस मज़ेदार से नाश्ते को बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत ही शौक से इसे खाना पसंद करेंगे। आप इसे टोमेटो केचप या फिर हरी चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, या वैसे भी आप इसे खाएँगे तो भी ये टेस्टी लगेगा। फ्रेंड्स, अगर अचानक से घर पर मेहमान भी आ जाते हैं तो झटपट से बनाकर उन्हें भी ये खिलाइए, मेहमान भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये मज़ेदार सा नाश्ता बचे हुए चावल से बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इस मज़ेदार से नाश्ते को मैं अंदर से भी चेक कर दिखा देती हूँ। देखिए कितना अच्छा बना है अंदर से, आप देखिए कितनी अच्छी इसकी जो फिलिंग हमने रखी थी ना, वो भी बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रही है, और बहुत ही अच्छा ये क्रिस्पी करारा हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सुबह सुबह की जल्दबाजी में हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता कि झटपट से हम क्या बनाएं, तो फ्रेंड्स आप इस टेस्टी मज़ेदार से नाश्ते को ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये नाश्ता आपको आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, इस टेस्टी मज़ेदार से नाश्ते को बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। उम्मीद है आपको आपके घर में सभी को ये मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी ये टेस्टी मज़ेदार बचे हुए चावल के नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी।